आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3A, चैप्टर हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनमें पर्टिकुलर नंबर्स के पेयर बन जाते हैं। अगर नंबर्स के पेयर कंप्लीट बन गए तो दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और नहीं बने तो दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 4, 4, 1 उसने कहा यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके दो मेथड होते हैं, ठीक है। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कर रहे हैं, एक मेथड और है वो जब आएगा तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है इस वैल्यू को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर कैसे कौन से होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, ठीक है। इस तरह से डिवाइड करते हैं, पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं होगा, उसके बाद 3 से चेक करते हैं। 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनका सम 3 से डिवाइड होता है, 4, 4, 8 प्लस 1, 9, 9 3 से हो जाएगा तो ये भी 3 से हो जाएगा, 1, 3 4 जब 12, 3 7 जब 7 और 4 11 प्लस 1 12, 12 3 हो जाएगा, ये भी 3 से होगा, 3 4 जब 12, 3 9 जब 47, ठीक है। 4 और 9 13, 3 से नहीं होगा तो किससे होगा, 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसमें लास्ट में 5 होता है, 7 से यस 7 7 7, ठीक है। देखो यहाँ पर पेयर बन गए, एक 3 का पेयर बन गया, एक 7 का पेयर बन गया। मैंने क्या कहा था, जहाँ पर पर्टिकुलर नंबर्स के पेयर बन जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, ठीक है। तो पेयर में से एक लेंगे बस, तो इस पेयर में से क्या ले लेंगे, 3, और इस पेयर में से क्या ले लेंगे, 7, तो ये हो जाएगा 3 7 का 21। ये जो वैल्यू है हमारे 21 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 21, ये अगर मैं 21 में मल्टीप्लाई करूँ तो 441 आएगा। देखो दो चीज़ होती है, एक तो स्क्वायर और एक होती है स्क्वायर रूट। 3 का अगर मेरे से कहा जाए फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर, एक स्क्वायर मतलब एक पेयर, स्क्वायर मतलब एक पेयर, प्रोडक्ट ऑफ ए पेयर, किसके पेयर का प्रोडक्ट, 3 के पेयर का प्रोडक्ट, 3 3 9 9 क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर। अब मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 16। अब मैं अगर आपसे कहूँ इसका स्क्वायर रूट निकालो ना कि स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमें ऐसा पेयर ढूंढना होगा जो जिसका ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 4 into 4 का प्रोडक्ट है ये, है ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा, क्लियर। स्क्वायर होता है, अगर 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 multiply 9 81, और 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 9 के पेयर बना लेंगे 3 into 3, और दोनों में से क्या करेंगे, 1 लेंगे। ये 3 का स्क्वायर 9 है और 9 का स्क्वायर 81 है, क्लियर, ठीक है। जब स्क्वायर रूट निकालना हो तब पेयर बनाते हैं, ठीक है, और जब स्क्वायर निकालना हो तो उसी नंबर की उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, 1089 प्राइम फैक्टराइजेशन से कहा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1089 डिवाइड करेंगे, देखते हैं 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 9 9 18 हो जाएगा, 3 से 3 6 3, ये भी 3 से हो जाएगा, 1 2 1 नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 5 के बाद 7 से नहीं होगा, ठीक है, 7 से नहीं होगा, इसके बाद 11 से हो जाएगा, 11 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
रूट निकालना है तो दो पेयर में से एक ले लेंगे, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, तो थ्री के पेयर में से थ्री ले लेंगे और इलेवन के पेयर में से इलेवन ले लेंगे। तो ये स्क्वायर था हमारा 33 का। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे फर्स्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस।
फाइंड द नंबर हूज स्क्वायर इज गिवन नंबर, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट था वैसा ही सेकंड है। इसने कहा शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, दिखाओ कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है इन ईच केस, हर केस में। फाइंड द नंबर हूज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, तो क्या निकालना है, इनके स्क्वायर रूट भी निकालने हैं और ये भी बताना है परफेक्ट स्क्वायर है या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर, चलो इसमें से भी कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 2 5, किससे डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं होगा, 3 से देख लेते हैं, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 10 3 से नहीं होगा तो 5 से होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 2 4 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4 9 7 6 7, फिर 7 से 7 पेयर बन जाएंगे, एक बन जाएगा 5 8 बना 7 का पेयर, 7 5 35, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 35। क्लियर, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 2 6 0 1, सेकेंड क्वेश्चन है इसका 2 6 0 1, ठीक है 6 2 8 प्लस 1 9, 3 हो जाएगा 8 6 7, ये भी 3 हो जाएगा 2 7, सॉरी 2 8 9, ठीक है 3 2 6 2 26 2 8 3 8 24 3 9, हाँ हो जाएगा 19। अब तो 3 से नहीं होगा, अब किससे होगा, 7 से, 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं होगा, 8 से, सॉरी 8 से तो देखेंगे नहीं है, 8 से देखेंगे, 9 से नहीं देखेंगे, प्राइम नंबर से देखते हैं बस, 8 से देखेंगे, 9 से देखेंगे, 10 से देखेंगे, 11 से देख लेते हैं, 11 से होता है, 11 2 22, 11 से भी नहीं हो रहा है, 289, 11 से भी नहीं हो रहा है, 12 से नहीं, 13 से चेक कर लेते हैं, 32 26, 29 बस टाइप नहीं हो रहा है, 14 से नहीं देखेंगे, 15 से भी नहीं देखेंगे, 16 से भी नहीं देखेंगे, इवन नंबर से तो देखते ही नहीं है, आई ना बात समझ में, इवन नंबर से तो देखते ही नहीं है, क्योंकि इवन नंबर में तो बस एक ही प्राइम नंबर होता है 2, इवन नंबर में से तो बस 2 से देखते हैं, ठीक है उसके बाद तो सब ऑड से देखते हैं, ठीक है और ऑड भी कौन से, जो प्राइम है, जैसे मैंने 25 से नहीं देखा, 25 ऑड है बट प्राइम नहीं है, ठीक है 25 से नहीं देखेंगे, 26 से तो देखेंगे ही नहीं क्योंकि इवन है। अब बात करते हैं 27, सॉरी कहाँ पहुँच गया, 12 13 14 से भी देखेंगे, 15 से देखेंगे, 16 से देखेंगे, 17 से देखते हैं होता है, 17 फर्स्ट क्या है 1 11 और 17 सौ है ना, 17 17 119, 17 7 119 तो एक पेयर तो बना 3 का और एक पेयर बना हमारा 17 का, तो 17 3 51 51 क्या है स्क्वायर रूट किसका, 2601 का, 51 का स्क्वायर क्या है 2601 और 2601 का स्क्वायर रूट क्या है 51। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट लेस नंबर शुड द गिवन नंबर, देखो परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब पेयर बन जाएंगे, अगर पेयर नहीं बने तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ध्यान रखना ही बात। ठीक है इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हूज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। इसे क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान रखना, सपोज दैट हमारा एक नंबर है 10, 10 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 2 5 5 5, कितने फैक्टर है इसके 2, ठीक है अगर मैं 10 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 10 में मल्टीप्लाई करता हूँ चलो 3 की, क्या आता है
ध्यान से देखना, मैंने टेन भी फैक्टर किए, दो फैक्टर आए टू और फाइव, अब मैंने टेन में थ्री की मल्टीप्लाई की, क्या आ गया थर्टी। अब थर्टी के फैक्टर कर लो, टू फिफ्टीन थ्री फाइव, आया को समझ नहीं आया, चलो फिर से देखते हैं। थर्टी है ना, थर्टी में मैं टू की मल्टीप्लाई करता हूँ, थर्टी मल्टीप्लाई टू क्या आ गया सिक्सटी। अब अगर मैं सिक्सटी के फैक्टर करूँ, टू टू थ्री, अब आया कुछ समझ नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ क्या होगा इसमें। अगर हम नंबर में, जिस नंबर के हम फैक्टर कर रहे हैं उस नंबर में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके फैक्टर में ऐड हो जाता है। देखो टेन में मैंने टू की मल्टीप्लाई की, क्या आया सॉरी टेन में मैंने थ्री की मल्टीप्लाई की, क्या आया थर्टी। थर्टी के फैक्टर निकाले, टू थ्री फाइव, पहले क्या थे टू और फाइव थे, थ्री की मल्टीप्लाई की तो थ्री ऐड हो गया फैक्टर में, है ना, तीन फैक्टर हो गए। अगर मैंने थर्टी में टू की मल्टीप्लाई की, क्या है सिक्सटी। देखो जिसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर में वही फैक्टर में ऐड हो जाएगा। यहाँ क्या फैक्टर थे टू थ्री फाइव, थर्टी में मैंने टू की मल्टीप्लाई की तो फैक्टर में भी टू ऐड हो गया, दो टू आ गए, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है अगर हमें फैक्टर में कोई नंबर ऐड करना है, अगर फैक्टर्स में कोई नंबर ऐड करना है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें जिसके हम फैक्टर कर रहे हैं उस नंबर में, किस नंबर में टेन में। अगर मुझे टू फाइव और फाइव एक फाइव और चाहिए तो मैं फाइव किस में मल्टीप्लाई करूंगा, टेन में फाइव की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जिस नंबर को फैक्टर में ऐड करना है उसी से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा होता है, ठीक है। जैसे टेन के दो फैक्टर है, सॉरी टेन छोड़ो, सिक्सटी के चार फैक्टर है, टू टू थ्री फाइव, मुझे इसमें से फाइव हटाना है तो मैं क्या करूंगा सिक्सटी को फाइव से डिवाइड कर दूंगा, क्या जाएगा क्या आएगा ट्वेल्व। अब ट्वेल्व का फैक्टर करना, देखो टू सिक्स टू थ्री थ्री, देखो फाइव हट गया ना, यहाँ क्या था टू टू थ्री फाइव, यहाँ क्या है टू टू थ्री, आया समझ में। अगर फैक्टर को ऐड करना हो तो मल्टीप्लाई, और फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो या हटाना हो वहाँ से तो क्या करेंगे डिवाइड, किसको एक्चुअल नंबर जिसके हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन दिया है क्या कह रहा है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन ईच केस, फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर इज द न्यू नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर टू करते हैं इसका, नंबर है हमारा टू वन फाइव सिक्स, ठीक है। पहले तो कह देंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं होगा, उसने हमसे कहा है क्या बोला है फाइंड द नंबर वी शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसका मतलब वो पहले से ही बता रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा नंबर बताओ जिसकी मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले चेक कर लेते हैं, चलो टू से डिवाइड करेंगे, वन जीरो सेवन एट, फिर टू से डिवाइड करेंगे फाइव थ्री नाइन, ठीक है। अब देखो किससे डिवाइड होगा, फाइव थ्री नाइन, थ्री से तो होता नहीं, फोर से नहीं होता, फाइव से नहीं होता, सिक्स नहीं हो रहा है, सेवन सेवन से देखना होता है, सेवन टू नहीं हो रहा है, सेवन से भी डिवाइड होगा, सेवन से नहीं हो रहा है, सेवन देखो सेवन सेवन का फोर्टी नाइन क्या बचा, फोर सेवन सेवन का फोर्टी नाइन, फिर सेवन से हो जाएगा इलेवन, अब किससे होगा इलेवन। देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, इसका पेयर नहीं बना है, किसका पेयर नहीं बना इलेवन का। तो मैंने इससे पहले आपको एक तरीका बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर हमें एक फैक्टर बढ़ाना है तो जिस फैक्टर को बढ़ाना है उसी से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसका पेयर नहीं बना, इलेवन का पेयर नहीं बना, तो इलेवन से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें नंबर में, चलो कर लेते हैं टू वन फाइव सिक्स मल्टीप्लाई इलेवन, ठीक है। तो टू वन फाइव सिक्स, टू वन फाइव सिक्स
सिक्स वन सेवन थ्री टू, ठीक है। ये बन गया क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्यों बन गया परफेक्ट स्क्वायर, देखो चेक करते हैं। टू थ्री सेवन वन सिक्स, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसका फैक्टर नहीं बना। चलो अब ये किसका स्क्वायर बनेगा, चेक करते हैं। टू से की मल्टीप्लाई की नंबर में जो नंबर आया उसका फैक्टर अगर मैंने किए तो एक इलेवन भी इसमें ऐड हो गया। अब पेयर बन गए, टू का भी बन गया, सेवन का भी बन गया, इलेवन का भी बन गया। तो ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई इलेवन, ठीक है। टू सेवन का फोर्टीन और फोर्टीन इलेवन का वन हंड्रेड फिफ्टी फोर। वन हंड्रेड फिफ्टी फोर का स्क्वायर है ये, और ये कब आया, इलेवन, जब हमने इसमें इलेवन की मल्टीप्लाई की। तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं अगर हम इसमें इलेवन की मल्टीप्लाई करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका स्क्वायर बनेगा, टू सेवन और इलेवन, 154 का स्क्वायर बन जाएगा अगर मैं इसमें इलेवन की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या हमें ये काम करना जरूरी था, मुझे तो लगता नहीं। क्यों नहीं लगता, देखो टू का पेयर था, सेवन का पेयर था, इलेवन का पेयर बना लगा। अब हमें पता है जब अगर हमने इसमें इलेवन की मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर में तो इलेवन का पेयर बन जाएगा, ठीक है। जब इलेवन का भी पेयर बन जाएगा तो किसका स्क्वायर हो गया, टू सेवन और इलेवन का, क्लियर, ठीक है। तो ये अगर आप समझ सकते हो तो ये करने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वही फैक्टर में ऐड हो जाएगा। अब मैंने 11 से मल्टीप्लाई, 11 का फैक्टर नहीं बना है ना, तो मैंने 11 से मल्टीप्लाई की तो 11 और ऐड हो गया उसमें, तो किस किस के फैक्टर बन गए, 2 के 7 के और 11 के। तो ये काम करने की जरूरत क्या है, जब हमें ऐसे ही पता चल जाएगा। उसने दो ही तो चीज पूछी है, किससे मल्टीप्लाई करनी है, 11 से करनी है, परफेक्ट। किसका स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट निकाल दो, है ना। उसने स्क्वायर रूट पूछा है, देखो उसने क्या पूछा है, By what least number should the given number be multiplied? 11, ठीक है। To get a perfect square number, ठीक है। In each case find the whose square is the new number. हमें square वो number बताना है जिसका square बनेगा, हमें square नहीं बताना, ठीक है। अब चलो एक question और करते हैं। Next question number 3380. कौन सा question है? Question number 3 का 7. 3380. एक तो हमें फाइंड करना है इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और किसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। टू से डिवाइड करते हैं, वन सिक्स नाइन जीरो, फिर टू से एट फोर फाइव, टू से नहीं होगा, थ्री से नहीं होगा, फाइव से वन सिक्स नाइन, फाइव सेवन वन सिक्सटी नाइन, थर्टीन से थर्टीन बन गया, थर्टीन थर्टीन थ्री या थर्टीन, मुझे पता था 169 13 का होता है इसलिए मैंने 13 से कर दिया। देखो किसका पेयर नहीं बनेगा, टू का बन गया, 13 का बन गया, किसका नहीं बना, फाइव का नहीं बना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट नंबर इज, लिखेंगे डायरेक्ट दैट नंबर इज फाइव, जिससे हमें मल्टीप्लाई करनी है। और किसका स्क्वायर बनेगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 और आ जाएगा यहां पे, है ना। तो किसका स्क्वायर बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, 130 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें वो नंबर भी पता चल गया जिससे मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर भी पता चल गया जिसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 का स्क्वायर आएगा,
क्लियर का डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज ए न्यू नंबर। देखो मैंने अभी बताया था आपको, अगर फैक्टर में कुछ ऐड करना हो तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फैक्टर में कुछ चीज हटानी हो तो उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। देखो अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं लूं, 2 का भी पेयर बन रहा है 3 का पेयर बन रहा है, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो 5 का यहां से हटाओ तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या 8 5 और लेके आओ। अगर 8 5 और लेकर आना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और अगर मुझे 5 हटाना है तो मैं क्या करूंगा उसी 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कौन सा करूं 5th, 4500 फैक्टर करें, किससे करूं, 2 से, 2 2 5 0, 2 1 1 2 5, 3 से हो जाएगा 3 3 7 5, ठीक है, ये भी हो जाएगा 3 से, 1 2 5, ये 5 से हो जाएगा 25, ये 5 से हो जाएगा 5, ये 5 से हो जाएगा 5। देखो भाई 2 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर, किसका पेयर नहीं बना, 5 का, तो किससे डिवाइड करूं, दैट नंबर इज 5 जिससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जब डिवाइड करेंगे तो ये यहां से हट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई करते तो बढ़ जाता, अब यहां से ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक 2 का पेयर है, एक 3 का पेयर है, और एक 5 का, 2 3 6 5 6 5 30, 30 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं इसमें से 5 हटा देता हूँ, अगर इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो 30 का स्क्वायर आएगा, चाहे देख लो एक बार करके, 4500 डिवाइड बाय 5 क्या आता है, 900, किसका स्क्वायर है, 30 का, और उसने ये तो पूछा हमसे 4500 को किस नंबर से डिवाइड करूँ, किस नंबर से डिवाइड करूँ जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और किसका बने, तो हमने ये भी बता दिया 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, और किसका बनेगा, 30 का बनेगा। ठीक है, कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कर लेते हैं 4056, लास्ट क्वेश्चन है भाई इसका, फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन है 4056, 4056 2 से हो जाएगा 2028, 2 से हो जाएगा 1014, 2 से हो जाएगा 507, 2 नहीं, 3 से हो जाएगा 169, 13 13, ठीक है, किसका नहीं बना, अब देखो मैं किसका पेयर नहीं बना, हाँ गड़बड़ होगी तो है ना, एक नंबर थोड़ी है, इसमें तो 2 नंबर आ गए, जिनका पेयर नहीं बना, 2 का बन गया और 13 का बन गया, तो हमें क्या हटाना है इसमें से, एक 2 2 हटाने, एक तो 2 हटाना है और एक 3 हटाना है, तो जिसको हटाना है उससे डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ खाली 2 होता तो 2 से डिवाइड करते, खाली 3 होता 3 से डिवाइड करेंगे, पर यहाँ पर क्या है, दोनों है, तो दैट नंबर नंबर इज 2 या 3, 6, दोनों को हटाना है, 2 3 6, 2 से डिवाइड करेंगे और 3 से भी डिवाइड करेंगे, दोनों से डिवाइड करने से अच्छा क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई करके एक ही बार डिवाइड कर दो। ठीक है, आई बात समझ में, तो दैट नंबर इज 6, वी शुड बी डिवाइडेड द गिवन नंबर एंड द स्क्वायर विल बी, एक तो 2 का पेयर बना, 2 मल्टीप्लाई 13 13 2 26, क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, पक्का डन, चलो तो आज के लिए इतना ही, और मंडे में टेस्ट होगा 2nd चैप्टर का, ठीक है।